अस्सलाम दोस्तों, दिस इज़ मान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो दोस्तों आज हम करने लगे हैं जी रियलमी 8 के कैमरे का टेस्ट। इसके बैक पर हमें चार कैमरे देखने को मिलती हैं। मेन कैमरा हमें यहाँ पर इसका 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और हमें एक यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और साथ में ही हमें एक और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है इस फोन में। फ्रंट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। आज हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसके कैमरे का टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे इसमें फ़िल्टर कौन से हैं, इसका जूम कितना है, मैक्रो कैसे वर्क करता है, और अल्ट्रा वाइड इसका कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाइट से मैंने कुछ सैंपल लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप यहाँ पर नाइट में ही आप 2x जूम, 5x जूम तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे इसमें वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर आप यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, ये 4K वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है रियलमी 8 से। तो यहाँ पर आप इसके कलर देख सकते हैं, बिल्कुल HD। आप यहाँ पर इसका कलर देख सकते हैं। यहाँ पर जितना मैं करीब कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, ब्लर होता जा रहा है। और ये देखें, और ये लाइटिंग भी अपने आप ही एडजस्ट कर रहा है। जहाँ ज़्यादा लाइट चाहिए वहाँ पर लाइट ब्राइट कर देता है, और जहाँ डार्क चाहिए वहाँ पर क्लियर कर देता है। आप 1080 पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 60 FPS, 120 FPS जैरो के साथ आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आप वीडियो देख रहे हैं 1080p पे है, और 60 FPS पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और इसकी आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं कितनी स्मूथनेस है, और ये देखें, और मोबाइल बिल्कुल भी शेकिंग नहीं कर रहा, हालांकि मैं भाग रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखें आप, और सामने ही सूरज है, और इसकी लाइटिंग का देखें आप, ये देखें वो सामने सूरज है और लाइटिंग अपने आप ही एडजस्ट कर रहा है। ये देखें 1080p और 60 FPS पे अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो आवाज़ है ये इसकी ही बिल्ट इन रिकॉर्ड हो रही है। दोस्तों ये आप वीडियो देख रहे हैं 60 FPS पे है, पर ये 720 रेजोल्यूशन पर है। यहाँ का रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे फ़ोटोज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ़ोटो में आप AI, यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं इसमें। और आगे आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट का मिल जाता है, बैकग्राउंड ब्लर करने वाला, ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है डायरेक्टली तौर पर। यहाँ पर आपको इसके अंदर मोर में टाइमलेस मिल रहा है। पैनोरामा मिल रहा है, और आपको इसमें स्लो मोशन, और आपको एक्सपर्ट, मैक्रो, अल्ट्रा, और आपको इसके अंदर ड्यूल व्यू वीडियो भी मिल रही है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर ड्यूल वीडियो का ऑप्शन मौजूद है। तो ये ड्यूल वीडियो बन रही है, और ये बैक साइड पे कैमरा आ रहा है और फ्रंट पे मेरा आ रहा है। एट अ टाइम आप ये वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन ही दिया गया है। और यहाँ पे आप फ्रंट कैमरे का रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी यानी कि ब्राइट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है फ्रंट का। और यहाँ पर देखें दूसरे साइड पर सूरज ग्रूब हो रहा है, और यहाँ पर जी मैं चल भी रहा हूँ, और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है, यहाँ पर इधर देख रही है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। मूवीज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और टेक्स्ट स्कैनर भी मिल रहा है। मूवीज़ में आप यहाँ पर अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे प्रो का ऑप्शन होता है सेम ये वही वाला, उसी तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट साइड पे हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है 2.5 अपर्चर के साथ। यहाँ पर वाइड आपको इसमें मिल जाता है, और फ्रंट से भी आप 1080 पे वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके फ्रंट कैमरे से है। फ्रंट कैमरे का रिजल्ट आप देख सकते हैं, सूरज मेरी दूसरी साइड पर है और सूरज की लाइट मेरे फेस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं बैक हो जाता हूँ और वो सूरज आ गया है, तो इसने लाइट देखें कैसे एडजस्ट कर ली है।
और रोशनी का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि मैं काला हो गया हूँ या बैक काली हो गई है, इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। तो दोस्तों ये आप इसके फ्रंट कैमरे के जरिए देख सकते हैं।